छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, छात्र संघ चुनाव पर रोक से छात्रों में आक्रोश है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का यह आक्रोश नजर आया। हिरासत में कई छात्र नेताओं को ले लिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। यूनिवर्सिटी में वन कार्ड के बिना, आई कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी। तो यूनिवर्सिटी में बिना आई कार्ड के अब एंट्री नहीं होगी। चुनाव पर रोक के बाद से छात्रों में आक्रोश नजर आया। इस दौरान कई छात्र नेता जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आगामी इलेक्शन फाइट करेंगे, वो कहीं ना कहीं इससे बेहद आहत, और अब ये आक्रोश राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का नजर आया। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी से लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब से ये फरमान आया है कि इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तब से जो माहौल है वो गर्मा गया है। फिलहाल अभी क्या कुछ हालात हैं? देखिए, देर रात उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान के अंदर सभी जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होने हैं उन पर रोक लगा दी गई है। रोक लगाने का आदेश जारी किया है, उसमें मुख्य रूप से जो हवाला दिया गया है वो लिंग दो कमेटी के नियमों को लेकर, और साथ साथ इसके अलावा जो छात्र संघ चुनाव के दौरान होने वाले जो धनबल और बाहुबल के उपयोग को, और साथ साथ जो कुलपतियों की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, उसी को देखते हुए ही छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई है। रोक के बाद ही लगातार देर रात से ही विरोध शुरू हुआ। देर रात राजस्थान विश्वविद्यालय गेट के बाहर छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला दहन किया, और उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। अल सुबह से ही छात्र नेता यूनिवर्सिटी गेट पर इकट्ठा होना शुरू हुए, लेकिन उससे पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और छात्रों को इकट्ठा होने नहीं दिया गया, लेकिन साथ साथ जो हिरासत में भी लिया गया। अब तक करीब 3 दर्जन से अधिक छात्र और छात्र नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है, साथ ही करीब आधा दर्जन गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। तस्वीरें यहां दिखाना चाहेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय गेट की, जहां बड़ी संख्या में अभी भी पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है। अंदर प्रवेश देने के लिए भी पहले गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, छात्रों की आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, और उसके बाद ही अंदर प्रवेश किया जा रहा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विरोध को देखते हुए प्रशासन पहले से अलर्ट नजर आया, और उसी को देखते हुए ही पुलिस प्रशासन ने सख्ती नजर आई है। राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें या फिर अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों की या फिर कॉलेज या अन्य जो उच्च शिक्षण संस्थानों की, पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का विरोध प्रसार नहीं हो, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। और हमारे साथ एडिशनल SP सुमन मौजूद है। मैडम, अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय हो या फिर शहर के अन्य शिक्षण संस्थान, किस तरह की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां पुलिस की ओर से की गई है? जैसा कि विदित है, यूनिवर्सिटी इलेक्शंस 2023-24 नहीं करवाए जा रहे इस साल के लिए, तो छात्रों में जो रोष है वो उसमें विरोध प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए ये जाब्ता लगाया गया है ताकि एहतियात रखी जाए और किसी तरह का न्यूसेंस नहीं हो पाए। अपना विरोध प्रदर्शन ये शांतिपूर्ण तरीके से यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का न्यूसेंस नहीं हो, कानून व्यवस्था बाधित नहीं हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। अब तक करीब 3 दर्जन छात्रों छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया, उनको किस तरह से लिया हिरासत में? क्या न्यूसेंस कर रहे थे या पहले इनकी प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर लिया गया है? न्यूसेंस को मद्देनजर रखते ही कि किसी तरह का बड़ा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं हो और ऐसी कोई संभावना को देखते हुए ही उनको यहाँ से हटाया गया। आगे की किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन लिया जाएगा और किस तरह की तैयारी है आगे के लिए? लगातार वॉच रख रहे हैं, संपर्क में भी रह रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं कि आगे कोई ऐसी बात नहीं हो, लेकिन फिर भी यदि होगी तो हमारी तरफ से पूरी पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, आगे से किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर ही छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा भी अन्य जो छात्रों को किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो, इसी को ध्यान में रखते हुए भी पुलिस और कानून व्यवस्था के हमारे साथ जो एडिशनल कमिश्नर कुल राष्ट्रदीप जी, सर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई है, किस तरह से शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारी पुलिस की ओर से है? देखिए, जैसा आपके ध्यान में है कि छात्र संघ चुनाव इस बार नहीं होंगे, मैं सभी छात्रों से अपील भी करना चाहूंगा आपके मार्फत कि कहीं पर भी कानून व्यवस्था की स्थितियां उत्पन्न नहीं करें।
उनका जो भी विरोध है, जो भी बात है, वो शांति से बैठ करके अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वीसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। रोड पर आकर के आम जन को परेशान करने की कोई गतिविधि नहीं करें, अदरवाइज जो भी नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई होती है उनके खिलाफ की जाएगी। उनको अपनी बात रखनी है, उनके पास में चैनल्स हैं, वो अपने सभी प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, अपने वीसी से बात कर सकते हैं। अब तक करीब 3 दर्जन छात्र नेताओं और छात्रों को हिरासत में लिया गया है यहाँ से, क्या एक्शन थे, क्या निर्देश थे? हालांकि किसी तरह का न्यूसेंस भी यहाँ अभी तक देखने को नहीं मिला था। देखिए, एक बहुत ही स्पष्ट रूल है, छात्रों की राजनीति उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी गेट के अंदर होती है। वो अपने गेट के अंदर रह करके अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो रोड पर आकर के कोई भी प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि या तो परमिशन ले लें, पहले हमसे परमिशन लेकर के वो प्रदर्शन कर सकते हैं। बिना परमिशन कोई भी रोड पर आएगा, किसी तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा, तो इसे बहुत ही सख्ती से डील किया जाएगा। हम इसकी अनुमति किसी को भी नहीं दे सकते हैं। आगे की किस तरह की, क्योंकि अभी आज नहीं आगे भी विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, इसको लेकर किस तरह का प्लान तैयार किया गया है कि पूरे शहर के अंदर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े? देखिए, छात्रों के ऊपर हमारी लगातार नजर है। मैं उनसे अपील भी करना चाहूंगा कि वो इस बात को समझें कि ये एक सरकार के स्तर पर लिया गया निर्णय है, इसे रोड पर किसी प्रकार का उपद्रव करके बदला नहीं जा सकता। अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, सही माध्यम से सही तरीके से अपनी बात रखें। जनता को परेशान करने वाली कोई भी गतिविधि वो करेंगे, रोड जाम करने की कोशिश करेंगे, कहीं पर भी विरोध प्रदर्शन में कोई अनियमितता करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उसके लिए जो भी नियम बने हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये थे एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, जिनका कहना है कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से छात्रों और छात्र नेता अपनी बात रखते हैं तो उनको समय दिया जाएगा, लेकिन अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही राजस्थान में हम देख पा रहे हैं लोकेश, हर जगह विरोध को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। देखिए, छात्रों का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है आपके पीछे, हम देख पा रहे हैं। और अभी क्या कुछ माहौल है यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी के बाहर, क्योंकि देखिए 3 दर्जन छात्रों को जो है हिरासत में ले लिया गया है, वहीं साथ ही जो है यूनिवर्सिटी में आई कार्ड के बिना अभी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं छात्रों की मायूसी आक्रोश में बदल सकती है। जी शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, छात्र संघ चुनाव पर जब से रोक लगी है उसके बाद से छात्रों में जो है गजब का आक्रोश देखा जा रहा है। 3 दर्जन से ज्यादा जो छात्र हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है, और लगातार जो है पुलिस जाब्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है।